हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वर्चुअल लाइफ फोटोशॉप। आज एक न्यू हिंदी कैलीग्राफी फॉन्ट के साथ फिर से एक नया वीडियो लाया हूं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इस फॉन्ट में आपको एक ही वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में देखने को मिलेंगे। इस एक फॉन्ट की हेल्प से आप मल्टीपल कैलीग्राफी डिजाइन बना सकते हैं। फॉन्ट का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको एक 3D कैलीग्राफी डिजाइन बना के भी दिखाऊंगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पे कैलीग्राफी फॉन्ट एंड आपको 3D कैलीग्राफी डिजाइन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे एंड मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक यूनिक कैलीग्राफी फॉन्ट। तो हम सबसे पहले फोटोशॉप पे चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं इस फॉन्ट की हेल्प से इस टाइप का एक डिज़ाइन बनाया हूँ एंड यहाँ पे एक और डिज़ाइन बनाया हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह फॉन्ट कैसा है हमारा। तो हम सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हम एक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को थोड़ा छोटा करेंगे एंड कलरफिल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कलर फिल करेंगे। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं तो आपको इस डॉट के ऊपर डबल क्लिक करना है एंड कोई भी आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो, ठीक है, उसे ओके कर देंगे। अगर आपको इस साइड का कलर पसंद नहीं है तो आपको यहाँ इस डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, देन ओके कर देंगे। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके ऊपर एक न्यू लेयर बना देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट के पैटर्न को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहां से टेक्स्ट पे चले जाएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद अगर आपको कोई भी हिंदी टाइपिंग करना आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको टाइपिंग करना नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आपको सबसे पहले विंडोज पे चले जाना है। विंडोज पे जाने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ग्लिप्स। हम इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो आप लोग साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक ग्लिप्स कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप यहां से देख देख के कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको इस फॉन्ट की हेल्प से हर एक वर्ड का अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को एंड हम सबसे एक नॉर्मल से वर्ड का को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे एंड ये रहा का, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं एंड इसके कलर को हम लोग व्हाइट कर देता हूं, देन ओके। तो अब आप लोग देख सकते हैं का एक पैटर्न है ये, ठीक है। अगर आपको इसको चेंज करना हो तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। जे प्रेस करने के बाद हम इसके डुप्लीकेट वाले लेयर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे एंड हम अपने इस वाले का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसके लिए हम अपने इस का को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग साइड में देख सकते हैं का के स्टाइल में आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे एंड आप इसको किसी भी स्टाइल में अपने का को डिजाइन को बना सकते हैं। ये रहा एक और डिजाइन का के पैटर्न में। अगर आप चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड में, या आप चाहें तो इसको और भी डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक रहा। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना यूनिक लग रहा है। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फॉन्ट को इंस्टॉल करना है एंड इसी फॉन्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में वर्ड देखने को मिल जाएंगे। सेम उसी तरीके से मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं कोई एक और वर्ड यूज करता हूँ, जैसे कि र, एंड यहाँ पे आपको र का अलग अलग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। वो भी कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइप्स के पैटर्न मिल जाएंगे आपको सिर्फ एक फॉन्ट के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ से र को सिलेक्ट करूँगा, ये रहा र। अगर आपको ये पसंद नहीं, स्पेस मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आप इस र को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेस कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों पसंद नहीं तो मैं यहाँ से दूसरा एक रा सेलेक्ट करूँगा। अगर ये पसंद नहीं तो मैं यहाँ से एक दूसरा रा यूज़ करूँगा। देखिए ये डिफरेंट है। सेम उसी तरीके से अगर ये भी पसंद नहीं तो मैं यहाँ से कोई और एक रा यूज़ करूँगा। जैसा चाहे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पे र के पैटर्न में आपको कितने सारे र देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपने किसी भी डिज़ाइन को अलग अलग तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक नॉर्मल सा एक डिज़ाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक छोटा सा आपको डेमो दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से मार्की टूल पर जाएंगे, हम यहाँ से इस तरीके से एक सर्किल बनाएंगे। सबसे पहले लेयर पर जाएंगे, एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, येलो कलर फिल कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, ऑल्ट को होल्ड करते हुए हम अपने सर्किल को छोटा करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक सर्किल निकल के आ गया है। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले पे जाएंगे, इस तरीके से कलर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से शेप ऐड हो जाएगा। ड्रॉप शैडो पे जाएंगे तो शैडो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम अपने कीबोर्ड से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखेंगे, जैसे कि ओम। ओम के लिए हम क्या करेंगे, ग्लिप्स पे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको ओम का अलग अलग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी एक ओम को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बड़ा कर लेने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से। रखने के बाद ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट होके साइड में आ जाएगा, एक सेम उसका जेरोक्स कॉपी। अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे नमः, तो उसके लिए सबसे पहले न चाहिए, हम ऊपर की तरफ आएंगे, न न न, हम यहाँ पे न टाइप करेंगे, ये रहा न, उसके बाद म, ये रहा म, उसके बाद दो मात्राएँ, हम ऊपर की तरफ जाएंगे एंड ये रहा दो मात्राएं नमः। इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस तरीके से लाइक दिस। इतना हो गया हमारा। उसके बाद सेम ऑल्ट के साथ होल्ड करके शिफ्ट के साथ साइड में लेके आएंगे, एक और वर्ड कॉपी हो जाएगा, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे शिवाय। ग्लिप्स पे चले जाएंगे, ई की मात्रा के लिए सबसे पहले हम ई की मात्रा ऐड करेंगे, जैसे कि एक स्टाइलिश ई की मात्रा हम यहाँ से चूज करेंगे, ये। उसके बाद स यूज़ करेंगे, वो भी बड़ा सा, ये रहा बड़ा सा। तो इसके अलग अलग पैटर्न हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मैं इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद उसके साइड में एक अ की मात्रा, उसके बाद व यूज़ करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, ये रहा व, फिर उसके बाद नीचे आएंगे अ की मात्रा इस तरह, उसके फिर से आ की मात्रा, उसके बाद या, ये रहा या, नीचे की तरफ आएंगे एंड एक स्टाइलिश इस तरीके से या ऐड करेंगे। अब आपको मैनेज करना है अपने टेक्स्ट को, जैसे कि हम सबसे पहले ओम वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद यहाँ सबसे ऊपर रखेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे। नमः को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इस वाले वर्ड को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे एंड शिवाय को उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटअप करेंगे। अब हम अपने वर्ड को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए हम नमः को सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी एंड इसको थोड़ा सा साइड में लेके आएंगे, कुछ इस तरीके से इंटरप्रेस करेंगे एंड इसको यहाँ पे फिल आउट करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट काफ़ी यूनिक लग रहा है। ठीक है, अब हम सेम उसी तरीके से लेयर पे चले जाएंगे, सबसे पहले ओम को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक न्यू लेयर बनाएंगे एंड कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। उसके बाद हम ब्रश पे जाएंगे एंड इसमें हम कोई भी एक कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा येलोइश कलर इस तरीके से ऐड करेंगे, या थोड़ा सा आप रेड टोन भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ऐसा। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा येलो कलर इस तरीके से, ये हो गया। इतना हो जाने के बाद सेम उसी तरह नमह को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर भी एक कलर फिल करेंगे। कलर हम चूज करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अक्वा कलर ऐसा, नीचे की तरफ से थोड़ा सा डीप ब्लू कुछ ऐसा। सेम उसी तरीके शिवाय के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे, कीबोर्ड से ऑल कंट्रोल जी इन्वर्ट मास्क करेंगे एंड एक रिच कलर यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ इस तरीके का ऐसा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसकी ह्यू को चेंज करके आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पिंक कर सकते हैं, ओके करेंगे एंड नीचे की तरफ से इस टाइप का, ओके ऐसा कलर लाइक दिस, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे। जी कर देने के बाद राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करेंगे
एंड उसके बाद हम लोग इसके डेप्थ को थोड़ा कम करेंगे इस तरीके से, इसके नीचे ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे एंड इसके बाद हम फिर से बेवल एंड एम्बॉस पे जाएंगे एंड यहाँ से सॉफ्टन को थोड़ा कम रखेंगे लाइक दिस, इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी कोई भी क्रिएटिव कैलीग्राफी डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।